दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन तो बेहद ही लाजवाब रहा, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ ने अचानक महेंद्र सिंह धोनी की तरह DRS लेकर अंपायर का फैसला बदल दिया और गायकवाड़ के इस DRS को देखकर तो महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए। चलिए बताते हैं आपको पूरे मोमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन विकेटकीपर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हैदराबाद सनराइजर्स के साथ में हुआ था और इस मुकाबले में CSK की टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से पक्ष में रहा। हैदराबाद के लिए पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले जेसन रॉय का बल्ला CSK के खिलाफ नहीं चला, सिर्फ 2 रन पर हेजलवुड ने उन्हें धोनी के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। टीम के कप्तान केन विलियमसन 11 रन पर आउट हो गए और उनका विकेट ड्वेन ब्रावो ने लिया। शुरुआत में ही हैदराबाद की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी क्योंकि टीम के दोनों धाकड़ खिलाड़ी जेसन रॉय और केन विलियमसन सस्ते में आउट हो गए थे और इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे ऋद्धिमान साहा और प्रियम गर्ग ने स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का कोई भी बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर सका और अंत में हैदराबाद की पूरी टीम 134 रन पर ही सिमट गई। लेकिन दोस्तों, वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत तो इस मुकाबले में हमेशा की तरह ही बेहतरीन रही। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही सारा दबाव गेंदबाजों पर डाल दिया था। शुरुआती 5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 36 रन बना लिए थे और इस बीच कोई भी बड़ा विकेट नहीं गिरा था और जब गेंदबाजी करने आए राशिद खान तो उनकी दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहद ही लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, राशिद खान ने ओवर की तीसरी गेंद पर ही ऋतुराज गायकवाड़ को LBW आउट कर दिया और अंपायर ने भी गायकवाड़ को सीधा आउट करार दे दिया। लेकिन गायकवाड़ को अपने ऊपर यकीन था कि वो आउट नहीं है, उन्होंने तुरंत DRS लेने का फैसला किया और ये फैसला थर्ड अंपायर के पास चला गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब रिप्ले में देखा गया तो ऋतुराज गायकवाड़ वाकई में आउट नहीं थे और अंपायर की गलती की वजह से उन्हें आउट दे दिया गया था, लेकिन अंपायर ने उन्हें बाद में नॉट आउट करार दिया। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की इस काबिलियत के चलते तो ऑन फील्ड अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और गायकवाड़ की इस काबिलियत को देखकर तो ड्रेसिंग रूम में बैठे महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ गए क्योंकि अक्सर मैदान पर धोनी अपनी काबिलियत के चलते एम्पायर के फैसले को बदल देते थे क्योंकि धोनी को DRS लेने का इतना तजुर्बा था कि वो जब भी DRS लेने का फैसला करते थे हमेशा धोनी के पक्ष में ही वो फैसला आता था। और लेकिन यहां गायकवाड़ ने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी धोनी को याद करने लगे। वैसे दोस्तों, जिस तरह से गायकवाड़ ने धोनी की तरह DRS लेते हुए एम्पायर का फैसला बदला, आप सभी गायकवाड़ के इस DRS लेने के काबिलियत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।